So hello and welcome to a very important lecture from Feminist Literary Theory. In today's video, I am going to be talking about the most important feminist terms. Feminism is a literary theory that you all probably must be knowing that comes under the section of literary theory, जिसके अंदर आपके कई सारे terms coin किए गए हैं and उनसे आपके exam में कई सारे repeated questions आ रहे हैं. So it is very important for you to keep these things in your notes and to understand these terms and the respective essays जिनके अंदर इनको कॉइन किया गया है. इन सभी चीजों के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में बात करेंगे. बट बिफोर दैट, इफ यू हैवंट ऑलरेडी ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक मिल जाएगा, प्लीज क्लिक करो एंड ज्वाइन करो, बी अ पार्ट ऑफ माय कम्युनिटी. यहां पर आपको कई सारी फ्री सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे फ्री पोल्स एंड फ्री टेस्ट इंग्लिश के पेपर वन के. उसको प्लीज जाकर अभी से ज्वाइन कर लीजिए एंड प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग माय पेड कोर्स, तो जरूर से लिटरेरी थ्योरी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करिए, जहां पे ना सिर्फ फेमिनिस्ट लिटरेरी थ्योरी बट कई सारी लिटरेरी थ्योरीज, अराउंड 90 प्लस लेक्चर्स एंड 450 प्लस क्वेश्चंस को आप इन कोर्स में बहुत ही इजी एंड स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हो. मेरी यूट्यूब की प्लेलिस्ट से जरूर से जुड़े रहिएगा. सिर्फ इस वीडियो में नहीं, मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है जहां पे मैं इन्हीं इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ योर थ्योरी या फिर आपके सिलेबस के डिस्कस करती रहती हूं. बात करेंगे हम लोग सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में, जो जड़ है आपकी फेमिनिज्म को एक बढ़ावा देने में या फिर एज अ सेक्ट ये बाहर निकल के आता है, इस पेट्रियार्की. पेट्रियार्की को हम लोग हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे पितृसत्ता, जहां पर आपकी एक इस चीज को, इस टर्म को या फिर इस फिलोसफी को कहा जाता है कि आपके जो मेल होते हैं सोसाइटी के, दे आर हैविंग द अल्टीमेट कंट्रोल एंड उसी कंट्रोल से ये डोमिनेट करते हैं सोसाइटी को, बी इट इन योर फैमिली, बी इट इन द सोसाइटी, बी इट इन द पॉलिटिक्स, बी इट इन योर एम्प्लॉयमेंट फील्ड, कहीं पे भी वेयर यू आर एबल टू सी द मेन हैविंग द पावर, द मेन हैविंग द कंट्रोल एंड दे यूजिंग दिस पावर इन अ बायस्ड सेंस, उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रियार्की. आपकी फेमिनिज्म थ्योरी के अंदर जैसे ही आप फेमिनिज्म को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सो पेट्रियार्कल सोसाइटी एंड द पेट्रियार्कल आउटलुक के बारे में बात की गई है. ध्यान दीजिएगा, एक बहुत ही फाइन लाइन का डिफरेंस होता है पेट्रियार्की के बीच में एंड आपकी मेल डोमिनेंस के बीच में. ध्यान दीजिएगा, हम लोग अक्सर जब भी पेट्रियार्की के बारे में बात करते हैं तो हम लोग मेल्स के ऊपर उंगली उठाने लगते हैं, उनको पॉइंट आउट करने लगते हैं कि हाँ मेल्स की ये अप्रोच है, मेल का ये आउटलुक होता है, वो दबाने की कोशिश करते हैं आपकी फीमेल्स को या दूसरे जेंडर को. प्लीज अंडरस्टैंड, आप सब लोग लिटरेचर के स्टूडेंट हो एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक दिस मिथ. व्हेन आई टॉक अबाउट पेट्रियार्की, आई एम नॉट ओनली ब्लेमिंग अ पर्टिकुलर मेल, आई एम टॉकिंग अबाउट अ मेल माइंडसेट. एक औरत का भी पेट्रियार्कल अप्रोच हो सकता है, एक औरत का भी एक पेट्रियार्कल थिंकिंग हो सकती है जो अपने ही घर की दूसरी औरत को दबाने की कोशिश करे या अपने ही एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में दूसरी औरत के साथ गलत होने देती है जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन स्टीरियोटाइप्स. तो इसको भी हम लोग पेट्रियार्कल अप्रोच बोलेंगे, जहां पे जो पितृसत्ता या फिर मेल ही इज ऑलवेज राइट, उसको बढ़ावा दिया जाता है, विच बिकम्स द मेजर पार्ट या फिर इसी वजह से आपकी जेंडर इनइक्वालिटी जन्म लेती है. बात करेंगे जेंडर इक्वालिटी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जेंडर आखिर में है क्या. आप जब भी किसी फॉर्म वगैरह को फिल करते हैं तो वहां पर लिखा होता है कि आप अपना सेक्स भरिए, कि आप मेल बिलोंग, आप मेल हो, फीमेल हो या फिर अदर हो. तो ये जो सेक्स होता है, मेल, फीमेल एंड अदर, आपको जानने की कोशिश करता है कि आपका बायोलॉजिकल स्टेटस क्या है. बायोलॉजिकल स्टेटस मतलब कि आपका, आपके लिंग के आधार पर, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के आधार पर आपको कैटेगरीज में डिवाइड करने को सेक्स कहा जाता है. वहीं दूसरी तरफ आपका जो जेंडर होता है वो एक सोसाइटल कंस्ट्रक्ट है, वो बनाया गया है, इट इज नॉट समथिंग जो आपके अंदर से आता है. लड़कियों को पिंक कलर पसंद होना चाहिए, लड़कियों को बहुत ही सॉफ्ट एंड सबमिसिव होना चाहिए, लड़कों को हमेशा बहुत ही स्ट्रांग एंड एग्रेसिव होना चाहिए, उन बेचारों को रोने नहीं दिया जाता है हमारी सोसाइटी में. ये जो परफॉर्मेंस है, ये जो एक आपको एक बर्डन आपके जेंडर के ऊपर डाला गया है, आपकी बायोलॉजिकल बॉडी के ऊपर डाला गया है, उसको हम लोग बोलते हैं जेंडर. तो जेंडर से काफी सारी चीजें आपकी जुड़ी हुई होती हैं कि यू आर बीइंग एसोसिएटेड विद सम कलर्स, सर्टेन बिहेवियर्स, सर्टेन एक्सपेक्टेशंस.
जो बोथ मेल एंड फीमेल के साथ आती हैं, अगर एक मेल थोड़ा सा फेमिनिन बिहेव करने लगता है तो वी स्टार्ट कॉलिंग दैट पर्सन विद सम अदर नेम्स, अगर एक फीमेल थोड़ा सा मेल की तरह बिहेव करने लगती है तो आप उसको टॉम बॉय बुलाने लगोगे, उसको बॉय की कैटेगरी में डालने लगोगे। तो ये जो स्टीरियोटाइप है वो आपकी सोसाइटी ने बनाया है, ये किसी भी चीज से या अंदर से नहीं आता है। सो जेंडर इक्वालिटी की हम लोग जब बात करते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि जो जेंडर इस सोसाइटी ने बनाया है, जहां पर खुद इस सोसाइटी ने कुछ बर्डन एंड कुछ एट्रीब्यूट्स हमारे मेल एंड फीमेल या अदर जेंडर के ऊपर दिए हैं, उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी नो काइंड ऑफ बायसनेस और इनजस्टिस जो सालों साल से चली हुई आ रही है और आज भी चल रही है। जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में हैं वो ये बात जानते होंगे, मैं टीचिंग एरा को बिलोंग करती हूँ, या टीचिंग मैंने काफी 5+ ईयर्स तक की है फिजिकली स्कूल्स में, आई वॉज अ टीचर। तो मैंने वहां पे देखा है कि जब हायर सेक्शंस ऑफ द क्लासेस को आप जब पढ़ाते हो, आपकी किसी भी क्लास को आप पढ़ा रहे हो, उसी के ही कंपैरिजन में अगर आपका कोई मेल काउंटर पार्ट है उसको उसी जॉब की ज्यादा पेमेंट मिलती है एंड फीमेल काउंटर पार्ट्स को कम पेमेंट मिलती है। तो ये जो इनजस्टिस है, जो इनइक्वालिटी है, वो सिर्फ आप लोग अपने एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में ही नहीं, घर पे भी देख सकते हो, सोसाइटी में भी देख सकते हो, लोगों के या हमारे समाज की थिंकिंग में भी देख सकते हो। सो दिस इज वेयर everyone has the same rights and opportunity. Gender equality feminism के अंदर एक term आता है, where the feminists are trying कि women को as a gender जो इतना marginalized and secluded किया गया है, suppress किया गया है, उसको वो equal दर्जा दिलाने की कोशिश करती हैं इस theory के towards, ठीक है, इस थ्योरी के थ्रू। नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है वो है इको फेमिनिज्म। ये टर्म अगर आपको ब्रेक करेंगे आप इसको, तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि इको फेमिनिज्म में इको आपका इकोलॉजी ले जाता है एंड फेमिनिज्म तो आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर है। सो जब हम लोग इकोलॉजी या फिर अपने नेचर को फेमिनिज्म के साथ मिक्स कर रहे हैं तो उसका क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। ये जो एक आपकी ब्रांच है फेमिनिज्म की, वो डील करती है विद द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ nature as well as women on the hands of या from the hands of your patriarchal society or patriarchal thinking. यहाँ पर बताया गया है कि ये एक ऐसी ब्रांच है आपकी फेमिनिज्म की जहां पर नेचर और औरत दोनों को ही, प्रकृति कहा जाता है हमारे नेचर को, इन दोनों को ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है ऑन द हैंड्स ऑफ योर पेट्रियार्कल सोसाइटी। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू आस्क यू टू रिमेम्बर जो मैंने आपको पहले कहा कि व्हेन आई से पेट्रियार्कल सोसाइटी आई डू नॉट ओनली मीन द मेल्स ऑफ द सोसाइटी। ये जो अप्रोच होती है किसी भी चीज को यूटिलाइज करके फेक देने की, ये जो अप्रोच एंड आउटलुक बना दी गई है कि मेरा काम बनता भाड़ में जाए जनता, मुझे तो अपने नेचर से बस एक्सट्रैक्ट करना है, एक औरत से सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना है, वो मेरे कितने काम आ रही है, नेचर मुझे क्या क्या दे सकता है, ये जो आउटलुक है वो डील किया जाता है आपके इको फेमिनिज्म के अंदर, जहां पर ये मेल पेट्रियार्कल कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी किस तरीके से आपके नेचर को सप्रेस कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है, ठीक उसी तरीके से जैसे एक घर के अंदर एक औरत को सप्रेस एंड यूटिलाइज एंड एक्सप्लॉइट किया जाता है। सो दिस इज अ पर्टिकुलर टर्म जो आपको याद होना चाहिए कि किसने कॉइन किया है, फ्रैंकोइस डी यूबॉन। ये आपके एग्जाम में एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सो इस टर्म को आप हल्के में ना लें। ये टर्म आपके फेमिनिज्म और डेथ नाम की बुक के अंदर 1974 में कॉइन किया गया था, जहां पे डी यूबॉर्न एक फेमिनिस्ट अप्रोच लेकर आती हैं, एक फेमिनिस्ट रेवोल्यूशन लेकर आती हैं। शी एड्रेसेस बोथ द इकोलॉजिकल एंड द सोशल क्राइसिस, लिंकिंग दिस पर्टिकुलर थिंग थ्रू द वुमेन के साथ जो किया जाता है एंड फेमिनिज्म के अंदर जो जेंडर इनइक्वालिटी चल रही है, इन दोनों चीजों को इन्होंने एक साथ क्लब करके दुनिया के सामने ये कॉन्सेप्ट को लेकर आया, जहां पे नेचर एंड वुमेन या फिर आपकी फीमेल को दोनों को ही एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है जेंडर ट्रबल। अब आप लोग जेंडर को जब समझ चुके हो एंड बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल गया कि जो सेक्स होता है वो एक बायोलॉजिकल टर्म होता है, इट इज समथिंग दैट यू कैन फाइंड इन योर बॉडी, बट जेंडर समथिंग जो आपको समाज बताता है। एक लड़की के पैदा होने से पहले ही उसका कमरा पिंक से डेकोरेट किया जाता है, एक लड़के के जन्म लेने से पहले ही उसका कमरा ब्लू से डेकोरेट किया जाता है, ब्लू कपड़े उसके लिए लाए जाते हैं, ऑलरेडी उसके जो टॉयज होते हैं उसको कार एंड इन सुपर हीरोज वगैरह से एसोसिएट कराया जाता है। एक लड़की को एक बारबी डॉल एंड किचन के
टूल्स एंड किचन के बर्तनों से एसोसिएट या फिर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ये बात करता है आपकी जेंडर परफॉर्मेटिविटी की, कि जेंडर इज समथिंग जो समाज आपसे चाहता है कि अगर तुमने इस पर्टिकुलर शरीर में जन्म लिया है तो तुम्हारे अंदर यही एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। जैसे एक एक्टर अपनी मूवी में एक रोल को निभाता है, एक थिएटर में एक स्टेज के सामने लोगों के सामने इनैक्टमेंट करता है अपने कैरेक्टर जो मिला है उसके अकॉर्डिंग, ठीक उसी तरीके से जेंडर अगर आपको कुछ मिला हुआ है तो समाज थोपने की कोशिश करेगा कि तुम लड़के हो, तुम किचन के सामान के साथ नहीं खेल सकते हो एंड तुम्हारा किचन में क्या ही काम है। वहीं लड़कियों को कहा जाता है कि तुम्हारा काम किचन में है, तुम पैसे कमा के क्या करोगी, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट दी सेल्फ सेल्फ एंड योर, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट योर सेक्सुअल सेल्फ, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट अर्निंग मनी सेम एज मेन। आप इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में क्यों बात कर रहे हो? तुम्हारे तो जेंडर का रोल है अपने घर की नरिशमेंट करना, अपने घर वालों को अच्छे तरीके से देखना, अपने पति, अपने बॉयफ्रेंड, अपने फादर, उनके ड्रीम्स को आगे लेकर जाना, व्हाई आर यू टॉकिंग अबाउट योर ओन ड्रीम्स। तो ये जो एक टर्म है जहां पर जूडिथ बटलर अपने ऐसे जेंडर ट्रबल के अंदर फेमिनिज्म एंड सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी 1990, प्लीज ध्यान दीजिएगा कि आप लोग सिर्फ टर्म्स को कंज्यूम ना करें, उन एसेस के बारे में भी जानें, बिकॉज आपके एसेस से आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो अक्सर बच्चे अवॉइड कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगी एंड आपको देखकर पता लगेगा कि इन टर्म्स जो आज आप पढ़ रहे हो उससे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो जेंडर ट्रबल के अंदर आपकी जूडिथ बटलर चैलेंज करती हैं कन्वेंशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड आइडेंटिटी। कन्वेंशनल का मतलब जो हम लोग को सालों साल, पीढ़ी दर पीढ़ी इस समाज में, इस दुनिया में सर्कुलेट किया गया है कि लड़की के कुछ ये दायित्व हैं, लड़के की कुछ ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एंड दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द बिहेवियर यू मस्ट स्टिक टू। तो इसके थ्रू ये बताने की कोशिश करती है कि जेंडर कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, ये कोई फिक्स्ड आइडेंटिटी नहीं है जो अंदर से आती है कि मैं ये हूं। एक लड़का, एक लड़की, एक लड़के के जन्म में होने के बाद भी वो फीमेल एट्रीब्यूट से अपने आप को एसोसिएट करता है, विच इज कंप्लीटली ओके। एक लड़की जो शरीर एक लड़की का पैदा हुई है लेकर एक मेल की तरह बिहेव कर सकती है, एक मेल आउटलुक लेकर पैदा हो सकती है। इस चीज को जेंडर ट्रबल या फिर एक जेंडर परफॉर्मेंस का नाम देकर आपकी जूडिथ बटलर ने बहुत ही ब्यूटिफुली इस बाइनरी ऑपोजिशन को ब्रेक करने की कोशिश की है। इनकी ये थ्योरी क्यूएर थ्योरी में भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल की जाती है, जहां पर बाइनरी ऑपोजिशंस में मेल एंड फीमेल को ही इस दुनिया समझती है, एंड कोई भी जो अदर ट्रांसजेंडर या जितना आपका क्यूएर थ्योरी या फिर एलजीबीटीक्यू में चला जाता है उसको सम्मान ही नहीं देती है, क्योंकि वो उसको पहचानती ही नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो इन सारी चीजों के बारे में इन टॉपिक्स पर बात किया गया है। जूडिथ बटलर का ये टर्म है, आप इस चीज को हल्के में ना लें। मैंने सारी इन राइटर्स एंड फीमेल जितनी भी फेमिनिस्ट थ्योरीज हैं उनके एसेस और उनके एक एक टर्म कौन से एसे में कॉइन किए गए हैं, क्या उनका ईयर रहा है, क्रोनोलॉजी रही है, विद क्वेश्चंस एक्सप्लेन किया हुआ है, पढ़ा रखा है अपने कोर्स के अंदर। अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है एंड इजिली आप ग्रास्प कर पाते हो मेरे कॉन्सेप्ट्स को, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप मेरे कोर्स को जाकर चेकआउट करें, जहां पर मैंने ना सिर्फ फेमिनिज्म बल्कि कई सारी थ्योरीज को आसान भाषा में पढ़ा कर रखा हुआ है, जो आपको मदद करेगा लिटरी थ्योरी पर आपकी अच्छी पकड़ बनाने में। इको फेमिनिज्म हम लोग ने देख लिया एंड जेंडर ट्रबल देख लिया, बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द फेमस टर्म ऑफ गायनोक्रिटिसिज्म, जो आप लोग ने अपने मास्टर्स में भी पढ़ रखा होगा, कई सारे बच्चों को उसके बारे में पता होगा, जो इलान शो वाल्टर का टर्म है टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स। ये इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट एसे माना जाता है, अलोंग विद वन ऑफ हर मोर इम्पॉर्टेंट एसे अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन। आपको एसेज भी इन राइटर्स या फीमेल क्रिटिक्स के पता होने चाहिए। 1979 में ये पब्लिश होता है। ये बात करती हैं क्रिटिकल प्रैक्टिस फोकस्ड ऑन द स्टडी एंड सेलिब्रेशन ऑफ वुमेन्स राइटिंग। आप सभी को ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ रखा है आप सबने, आपको पता है, ना आप उसको उठाकर लिस्ट भी देखोगे तो आपको मेजॉरिटी ऑफ मेल राइटर्स दिखाई देंगे। बाय द एंड ऑफ 18th एंड 19th सेंचुरी आपको दिखाई देगा कि बहुत सारी फीमेल राइटर्स ऐसी निकल के आती हैं जो अपना स्यूडोनिम चेंज कर देती हैं, स्यूडोनिम रखती हैं एंड अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करती हैं मेल के नाम के अंडर, क्योंकि उनको पता है कि फीमेल राइटिंग्स अगर पब्लिश होगी तो इसको ना कोई पढ़ने वाला है एंड क्रिटिसिज्म उल्टा दोबारा मिलेगा मुझे। सो दिस आउटलुक वेयर वुमेन वर सीन ओनली एज रीडर्स, आप पढ़ नहीं सकते हो एंड लिख तो बिल्कुल भी नहीं सकते हो, उस पॉइंट को टच किया है आपकी
इलांशो वाल्टर ने अपनी इस बुक टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट पोएटिक्स के अंदर जहाँ पे शी हैज सेग्रीगेटेड द सेक्शन ऑफ योर फीमेल्स एज रीडर्स देन फीमेल एज राइटर्स, यहाँ पे बताती हैं कि जो क्रिटिकल प्रैक्टिस है कि फीमेल्स को अपने वर्क्स को या फिर मेल के वर्क्स को एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से जज करने की अनुमति है एंड उसको इवेल्युएट करने की अनुमति है, वो आपका इसके अंदर आता है। दिस इज अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर फ्रॉम अ फीमेल पर्सपेक्टिव। आप जब किसी भी वर्क को उठा के देखते हो तो आपके कई सारे पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। फीमेल पर्सपेक्टिव को कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, उसको साइडलाइन किया गया है, उनकी अप्रोच एंड उनकी जो पर्सपेक्टिव वो अपनी राइटिंग से लेकर आती हैं उसको सप्रेस किया गया है। तो इसके अंदर गाइनो क्रिटिसिज्म से ये शिफ्ट करने की कोशिश करती हैं फोकस को फ्रॉम मेल सेंटर्ड नैरेटिव्स एंड पर्सपेक्टिव टू दोज ऑफ वुमेन राइटर्स। यहां पर ये अनकवर करने की कोशिश करते हैं यूनिक एक्सपीरियंसेस एंड वॉइसेस बाय द वुमेन फॉर वुमेन। यहां पर वुमेन एज राइटर्स, वुमेन राइटिंग ऑन वुमेन के बारे में ये बात करती हैं कि बहुत हो गया जब मेल हैव बीन मेकिंग अप अ स्टीरियोटाइपिकल इमेज ऑफ अ सबमिसिव एंड होम लुकिंग गर्ल, जो घर का ध्यान देती है, जो घर के काम करती है, हम लोगों को बाहर निकल के अपनी ही इमेज को इन्हीं लिटरेचर के वर्क से ही चेंज करना पड़ेगा, वेयर वी शो दैट वी वुमेन आर केपेबल ऑफ सो मच मोर। देन बात करेंगे अपने लास्ट टर्म एक्रेचर फेमिनिन के बारे में, जो कि वुमेन्स राइटिंग के बारे में बात करता है। ध्यान देना, इस बात से कंफ्यूज मत होना, वहां पर हम लोग ने गाइनो क्रिटिसिज्म की बात की जहां पर एक क्रिटिकल अप्रोच आप लेके आते हो, यहां पर वुमेन राइटिंग्स की ही बात की गई है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपके हेलेन सिक्सिस का टर्म है, द लाफ ऑफ मेड्यूसा, इनका बहुत फेमस वर्क है 1975 में, जिनसे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। एक्रेचर फेमिनिन रेफर्स टू अ टाइप ऑफ राइटिंग दैट एम्फसाइजेस द एक्सप्रेशन ऑफ द फीमेल बॉडी एंड एक्सपीरियंस। एक फीमेल अपनी बॉडी के चैलेंजेस को फेस करती है, उसको लेके क्या फील करती है वो आपको एक फीमेल ही बता सकती है। नो मेल इज केपेबल इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग इनसाइड द फीमेल बॉडी एंड उसके ऊपर आप अब एक अपना पर्सपेक्टिव जब देने की कोशिश करते हो जिसको सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, ये एक गलत अप्रोच है एक्रेचर फेमिनिन के फेमिनिन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर, कि फीमेल विल लेट यू नो द एक्सपीरियंस of her body. Female will let you know how marginalized she feels when you look upon this entity or a woman from a very biased perspective. तो ये जो आपका traditional male dominated structure है जहां पर female की भी बारे में आपको एक male समझाते हुए दिखाएगा, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है थ्रू द वुमेन राइटिंग, वेयर अ वुमेन विल कम फॉरवर्ड एंड टेल यू अबाउट हर यूनिक एक्सपीरियंसेस ऑफ द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ द बॉडीली डिस्क्रिमिनेशन, ऑफ द फिजियोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन दैट द सोसाइटी हैज हर सब्जेक्टेड टू इस पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर। सो ये सभी टर्म्स आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं कि इनसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन द टर्म इको फेमिनिज्म, अ वेरी इजी क्वेश्चन ओनली इफ यू नो कि इसको किसने कॉइन किया है। फ्रैंकोइस डी यूबॉन ने इको फेमिनिज्म का टर्म कॉइन किया है, वेयर शी टॉक्स अबाउट नेचर एंड वुमेन इन एक्सप्लॉयटेटिव टर्म्स एट द हैंड्स ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग टेक्स्ट इन ऑर्डर ऑफ पब्लिकेशन। यहां पर कई सारे फीमेल टेक्स्ट आपको दिखाई देंगे, जैसे बेटी फ्रेडन का फेमिनिन मिस्टेक, वी हैव सेकंड सेक्स, अ रूम ऑफ वन्स ओन, द फीमेल यूनक, देन ऑफ बॉर्न वुमेन एड्रियन रिच का। आप लोग इस क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करिए, दिस इज जस्ट वन क्वेश्चन, ऐसे इतने क्वेश्चंस आपको फीमेल राइटर्स के देखने को मिल जाएंगे जहां पर एसेस की क्रोनोलॉजी आपसे पूछी गई है, विच रियली शुड बी योर कंसर्न कि मुझे इनके एसेस पता होने चाहिए, इनकी डेट पता होनी चाहिए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इनकी डेट वगैरह आप लोग अभी से ही अपने नोट्स में लिखना स्टार्ट करें। वी हैव थ्योरिस्ट एंड वी हैव बुक, हम लोग को जूडिट बटलर का जेंडर ट्रबल का कॉन्सेप्ट पूछा गया है, ये इनका कॉन्सेप्ट भी है और ये इनकी बुक का नाम भी है। वी हैव द टर्म गाइनो क्रिटिसिज्म का मीनिंग पूछा है। सिर्फ इस चीज में मत रहना कि आपने टर्म पढ़ लिया, आपने डेट याद कर लिया, आपने एसे याद कर लिया, यू आर गुड टू गो। आपको समझना पड़ेगा इन सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने आपको बताया, और
कई सारे और कॉन्सेप्ट्स जो अभी आप यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि गाइनोक्रिटिसिज्म क्या है, तो अभी मैंने बताया, वेयर देयर इज अ प्रोडक्शन एंड एनालिसिस ऑफ राइटिंग्स बाय विमेन फॉर विमेन या ऑन विमेन। मेल डोमिनेटेड अप्रोच से हटकर जब एक औरत अपने आप को एज रीडर एज वेल एज जब राइटर देखती है, उस अप्रोच को गाइनोक्रिटिसिज्म कहा गया है। देन वी हैव मैच द फॉलोइंग में अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, वी हैव ईलान शोवाल्टर, जो मैंने आपको नाम लिया कि इनका एक और एसे है। देन आपको अगेन ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि हेलेन सिक्सिस का टर्म है एक्रेचर फेमिनिन, और भी कई सारे पॉइंट टर्म्स है जो लिटरेरी थ्योरी का फेवरेट क्वेश्चन आज की डेट में बन चुका है। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चन जो आपने देखे। लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं हेलेन सिक्सिस का, द लाफ ऑफ मेड्यूसा आपसे पूछा गया है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि कौन सी बुक के अंदर कॉइन किया गया, कौन सा टर्म कॉइन किया गया, कौन सी डेट को कॉइन किया गया, उसकी क्रोनोलॉजी भी आपको बनाकर लिखनी पड़ेगी। ये सारी ही चीजों को आप मेरे इस कोर्स में बहुत ही स्ट्रक्चर्ड, आसान और सरल भाषा में पढ़ सकते हो, जहां पर आप एक एक थ्योरी, एक एक टर्म, एक एक राइटर एंड विथ क्रोनोलॉजी इन एसेज को पढ़ते हो। लास्टली मैंने एक एक क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया है, सो दैट आप फुल्ली सैटिस्फाइड जाओ इस कोर्स को लेने के बाद। आप जरूर से इसके फ्री डेमोस इस नंबर पर मैसेज कर ले सकते हो, नीचे लिंक भी दिया हुआ है। जस्ट क्लिक एंड गो एंड वॉच दीज फ्री वीडियोस, जहां पर आप अपने आप को सेटिस्फाई करके फिर इस कोर्स को अवेल कर सकते हो। उसके साथ ही साथ यू कैन ऑल्सो गो एंड चेक आउट माई अदर कोर्सेज एज वेल। पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को लेना मत भूलना, बिकॉज हे यू गेट योर ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चन, जो आपको मदद करेंगे टारगेटेड स्टडी करने में। किसी भी एक सिंगल टॉपिक को उठाकर उसके क्वेश्चन सिर्फ लगाकर जज कर सकते हो कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, कब कब आया है, एंड मुझे इस पे कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लेना, बिकॉज यहाँ पर आपको डेली फ्री सर्विसेज मिलती हैं। सो इफ यू आर समवन हु इज नॉट एलिजिबल टू स्पेंड सम मनी, यू कैन कम हेयर एंड आप हमारी फ्री सर्विसेज का भी बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी। डू लेट मी नो योर फीडबैक नीचे कॉमेंट सेक्शन में, सो दैट आई नो कि आप लोग इसको कैसे रिसीव कर रहे हो एंड हाउ इजी it is becoming for you to understand these theories and terms. I would love to hear from you. I'm going to take your leave and I'm going to meet you up next in yet another video. Up till then, bye and take care.